एवरीवन गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन जो हमारे दिसंबर 19 के एग्जाम में आए थे, राइट। सो गाइस, इस सीरीज में हम दिसंबर 19 का कंप्लीट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन, फाइनेंस के क्वेश्चन, हमारे स्टैटिस्टिक्स के, और जो मार्केटिंग से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ सब वीडियोस का, इन केस आप वो सब वीडियो भी चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ प्रियंका बंसल एंड आई हैव क्वालिफाइड JRF इन कॉमर्स इन June 19 एंड नेट इन मैनेजमेंट इन December 19, राइट। सो गाइज, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सो ये हमारे बैच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर June 2020 एग्जाम। सो आप हमारे Paper 1 का बैच, कॉमर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो Paper 1 के बैच में आप लोगों को ये फीचर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा विद इन टाइम पीरियड। 20th of April तक हमारा Paper 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम December 18 के शिफ्ट के पेपर्स, June 19 के पेपर्स और December 19 के पेपर्स, इट मीन्स कि भाई टोटल 30 पेपर्स हो जाएंगे, उनको हम एज ए मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। डेली 1 पेपर हम डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड आपको वीडियो कोर्स मिलेगा कि लाइक ये तो सारा वीडियो कोर्स से रिलेटेड है हमारा, कि आप लोगों को एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आप वो प्रैक्टिस करोगे, देन उस मॉक टेस्ट की वीडियो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। अगर हम बात करें कि भाई जो 2012 से 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कॉमर्स के, सो वो आप लोगों को PDF फॉर्मेट में भी मिलेंगे और आपको वीडियोस भी मिलेगी उन सब टॉपिक्स पे, उन सब क्वेश्चंस पे, जो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे प्रोफेसर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, राइट। सो गाइज, प्रॉपर आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, सो सारी चीज़ें आप लोगों की कवर होंगी Paper 1 के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। सो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी। नाउ द नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू FEMA, क्वेश्चन हमारा है दिसंबर 19 के एग्जाम का इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड FEMA का क्वेश्चन। सो गाइज, FEMA हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो FEMA को लाइक FEMA ने किस एक्ट को रिप्लेस किया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन से ईयर में ये एक्ट आया था वो भी पता होना चाहिए। सो हमारा 1999 में FEMA एक्ट आया था। सो इसमें हमें बताना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन गिवन है उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सो गाइस, क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही केयरफुली रीड आउट करने हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी। देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द टर्म फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर्स चेक, LOC means letter of credit, bill of exchange, express or drawn in Indian currency but payable in any foreign currency। देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है और ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, LOC, bill of exchange, drawn by bank and institutions, person outside India but payable in Indian currency। कि भी मतलब ये थ्री पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम फॉरेन एक्सचेंज में इनको इंक्लूड करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, FEMA से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन से ईयर में आया था, फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंक्लूड होता है, FEMA की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और FEMA की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है ये भी पता होना चाहिए, FEMA ने किस एक्ट को रिप्लेस किया था आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में ये डेफिनेशन इंक्लूड होती है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। डिपॉजिट्स पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये हमारा इंक्लूड होगा क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट में था। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, एंड ड्राफ्ट्स ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। सो बेसिकली अगर आप देखोगे सो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है, बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि भाई जो बिल ऑफ एक्सचेंज LOC वगैरह होता है, ड्राफ्ट होता है, ट्रेवलर्स चेक होता है, वो ड्रॉन तो बैंक कर रहा है बट पेबल इन इंडियन करेंसी, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया, पेबल इन फॉरेन करेंसी, दैट इज़ वाई डी ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा, बाकी ये तीनों फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे, राइट।
सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा. नेक्स्ट देखते हैं. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. अब देखो कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, ये हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का क्वेश्चन है. सो गाइज बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चंस में लिस्ट वाले बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैचिंग वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. सो इट मीन्स कि आप लोगों को बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करने हैं. अगर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें सो मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को ज़रूर से करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, प्लस जो बेसिक एलिमेंट्स वगैरह हैं उनसे. सो ये क्वेश्चन हमारा बेसिक एलिमेंट से है बिजनेस एनवायरनमेंट का. सो लिस्ट वन में है साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. अब देखो अगर हम बात करें लिस्ट टू की सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इसकी शॉर्ट फॉर्म हम EOU बोलते हैं इनको. ये रिलेटेड है हमारे इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, कि भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज होंगी वो सब इंक्लूड होगी, राइट. सो गाइस जब मैं सी को टू से मैच कर रही हूँ सो मेरे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और मुझे राइट आंसर फोर मिल जाएगा. देखो ये ट्रिक है कि कैसे आप लोगों को एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को. अब इसको मैच करके देखो साइज ऑफ द मार्केट की अगर हम बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट की भाई मार्केट का साइज क्या है, स्मॉल मार्केट है, लार्ज मार्केट है. मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे, लाइक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारा डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल लीगल, हमारा सोशल कल्चर, ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. सो हमारा साइज ऑफ मार्केट मैच होगा मैक्रो इन्वायरमेंट से, ठीक है. डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें सो डेमोग्राफिक बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं है, सो ये हमारा मैच हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से. और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस की भाई ग्लोबलाइजेशन के अंडर में MNC वगैरह आती हैं, सो ये सब मैच हमें इस तरह से करना है. आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो गाइज जो एग्ज़ाम का लेवल था, अगर मैं अभी दिसंबर 19 के एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ सो एग्ज़ाम लेवल बहुत अच्छा था, कि लाइक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्वेश्चन की उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, सो उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी था. बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो CSR की अगर हम बात करें, देखो CSR बिजनेस एथिक्स हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में है, बट CSR पे बहुत ज़्यादा प्रोविसियर क्वेश्चंस आए हैं. हमने लास्ट वीडियोस में जब दिसंबर 18 के और जून 2019 के क्वेश्चन डिस्कस किए तो उनमें भी आई थिंक CSR से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. सो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, CPA है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स. आप लोगों को क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है. इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आपको उस तरह से क्वेश्चन को देखना है, बट यहाँ पे पार्ट्स पूछा है कि भाई CSR के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है. देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होती है. इट इज़ द इंटीग्रेशन बाय कंपनीज ऑफ सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इन देयर इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स गोइंग बियॉन्ड द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स. कि भाई सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना इज़ नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि भाई इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सो बेसिकली वो चीज़ें हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड होगी, ठीक है. देखो रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर एकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन. कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए प्रमोशन का. सो ये तो हमारे इंटरनल हो गए फैक्टर्स. और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइक हम कुछ सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सोसाइटी के लिए क्या कर रही है. फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ईयरली गर्ल्स एजुकेशन के लिए किसी NGO में डोनेशन प्रोवाइड करती है. कहीं कुछ ऐसे होता है ना कि ऑफलाइन कुछ ऐसे कैंपस वगैरह के थ्रू प्रमोट कर रही है किसी अच्छी चीज़ को. सो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आएगा. कि भाई जो सप्लाई कर रही है गुड्स को, कि अगर सेलर मार्केट में वो सिंगल सेलर है फिर भी वो रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहा है, सो वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है. सो बेसिकली
फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंक्लूड नहीं होगा. जब मैं ए को एलिमिनेट करूंगी तो मेरी ये दो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, राइट. देखो, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड रीड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस, कि भाई अगर उसके कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आएगा. देखो, अब मैं देखूंगी वही जिस स्टेटमेंट में डी इंक्लूड नहीं है, सो इसमें मेरा डी नहीं है, सो मेरे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और राइट आंसर मुझे सेकंड मिल जाएगा, राइट. सो सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन वेन देर इज सेलर्स मार्केट. सो अगर वो सिंगल सेलर भी है फिर भी वो रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को सप्लाई कर रहा है, वो हमारा CSR का पार्ट होगा, राइट. और ऊपर जो ये प्रमोशन वाला पॉइंट है, कंपनी के और ऑपरेशन को इम्प्रूव करने वाला पॉइंट है, ये बेसिकली उसकी इंटरनल है कि भाई उसमें उसका खुद का बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहा है. सो बेसिकली बी आंसर और डी, ये दोनों पॉइंट्स हमारे इंक्लूड होंगे कि भाई स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉपर ग्रीवेंसेस का पूरा शेड्यूल हो कि भाई अगर किसी को कोई शिकायत है सो उनकी सुनवाई की जाए टाइम पे, उनको टाइम पे उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, राइट. सो गाइस, ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू CPA. देखो, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है. सो गाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और इट मे बी पॉसिबल कि जून 2020 में क्वेश्चन फ्रेम हो. सो जून 2020 में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमारा, लाइक जो अमेंडमेंट्स हुई थी 2019 में उनके ऊपर. सो आप लोगों को वो अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है. देखो, अभी हम देख लेते हैं एक बार. सो ये हमारे तीन तरह के एक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ठीक है. अगर हम बात करें सो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में एक चेयरमैन प्लस दो मेंबर होने चाहिए, वन शेल बी वुमेन, और जो हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है. स्टेट कमीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड मिनिमम टू मेंबर्स, वन शेल बी वुमेन. सो इसका हेड हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और ये प्रेसिडेंट एंड मिनिमम फोर मेंबर्स, वन शेल बी वुमेन. और ये वाले जो नेशनल कमीशन है उनके हेड को सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए. सो गाइस, क्वेश्चन जून 2020 में कैसे फ्रेम हो सकता है, मेरे को लगता है कि इनके ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू को अपडेट किया गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में कौन सी होगी. सो आप लोगों को ये बहुत ध्यान से देखना है. मैंने ग्रुप में आप लोगों को एक इमेज प्रोवाइड की है, उसके थ्रू वो आपको याद रखनी है वैल्यू. सो द पॉइंट इज कि आप लोगों को अपडेटेड डेटा याद होना चाहिए, ठीक है. अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन था कि भाई कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए करेक्ट नहीं है. सो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ फोर मेंबर्स. देखो, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कितने मेंबर्स थे भाई, तीन मेंबर्स थे, वन चेयरमैन एंड टू मेंबर्स. सो मतलब कि भाई ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट. सो स्टेट कमीशन का जो हेड होगा उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर. सो जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में वन चेयरमैन प्लस टू मेंबर्स थे और इनमें से एक का वुमेन होना कंपल्सरी है, सो वो वुमेन लेडी, वो लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन का हेड होगा वो सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का. सो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. सो द पॉइंट इज कि थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसमें फोर मेंबर्स की बजाय थ्री मेंबर्स होता है. सो गाइज, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे इजीली. देखो, अब हम इनमें से डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से फ्रेम हो सकता है. अब ये चीज़ देखना आप लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि भाई वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि भाई वैल्यू मान क्वेश्चन में आया कि 2019 में जो अपडेटेड हुई है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कितने तक की वैल्यू अगर होगी तो हम फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, ठीक है. सेम इसी तरह स्टेट कमीशन. वो दूसरा ये कि भाई कितने मेंबर्स होने चाहिए, कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में टोटल थ्री मेंबर्स, स्टेट कमीशन में टोटल थ्री मेंबर्स, नेशनल कमीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड मिनिमम फोर मेंबर्स. सो द पॉइंट इज कि भाई कौन सा जज किस
कमीशन का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए है, ये स्टेट कमीशन के लिए है और ये नेशनल कमीशन के लिए है। सो जो उनका हेड होगा उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस हर चीज़ को इस तरह से समझो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, फिर आप लोगों के लिए ईजी होगा एग्जाम क्वालिफाई करना। Now the next question is, which two of the following are functions of WTO? Guys, अभी हम IB का question है ये। IB की अगर मैं बात करूँ तो WTO या IMF से definitely ये question frame होगा। दोनों concept आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। Plus जो हमारे World Bank वगैरह है उन सब का। So आप एक notebook बना लो, उसमें से सब year कितने like World Bank group है जो पांच का, उनमें उनके establishment year कौन से हैं, उनका head office कहाँ है, प्लस उनके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, बेसिक उनका किसका क्या फंक्शन है कि भाई आईएमएफ क्या प्रोवाइड करेगा अगर कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो डब्ल्यूटीओ का क्या फंक्शन है, आईबीआरडी का क्या फंक्शन है, हमारा जो मीगा होता है उसका क्या फंक्शन है। सो ये आपको पता होना चाहिए। आईबी में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आईबी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो रीजनल ब्लॉक्स, जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आप लोगों को वो भी अच्छे से टॉपिक आना चाहिए, राइट। अब हमें बताना है कि भाई कौन से फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के। देखो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स, कि भाई जो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना। प्रोवाइड ए फॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, कि भाई ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक फॉर्म प्रोवाइड करता है डब्ल्यूटीओ। हैंडल ट्रेड डिस्प्यूट, कि अगर मेंबर कंट्रीज में ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है सो डब्ल्यूटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैंडल करे। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बेसिकली फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के। सो डब्ल्यूटीओ का टॉपिक हम कर चुके हैं ग्रुप में, अभी हमारा आईबी चल रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो अभी प्रोवाइड की ताकि आप लोग कंसिडर कर पाओ कि भाई कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, राइट। अभी हम देखते, देखो To facilitate the implementation, administration and operation of trade agreement, कि भाई ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह बनेगी उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो WTO करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। सो जब हमें पता है कि ए करेक्ट है तो सेकेंड थर्ड को एलिमिनेट कर देना। सेकेंड इज टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, कि भाई मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करना, ये भी WTO का फंक्शन है। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन, देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना ये तो WTO का टास्क नहीं है। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे, जो अगर कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह हुए हैं सो उनको हैंडल करेगा WTO। WTO की परमानेंट एक लाइक एजेंसी होती है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पे आएगी कि भाई उनमें से सारे जितने टास्क होंगे वो हैंडल करेगी। सो द पॉइंट इज कि मॉनिटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना WTO का फंक्शन नहीं है, ठीक है। टू असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, अब देखो यहाँ पे मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, बट WTO का मेन टास्क ट्रेड को प्रमोट करना है, ना कि मल्टीलेटरल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है। सो हमारा राइट आंसर ए एंड बी ओनली हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिखेल पोर्टर प्रपोज जेनेरिक स्ट्रैटेजी। सो ये मिखेल पोर्टर की जो जेनेरिक स्ट्रैटेजी है, इनमें से आई थिंक जब लास्ट टाइम हमने एक दो सेट पेपर्स किए थे, आई थिंक के सेट पेपर किया था, उसमें ये टॉपिक आया था कि भाई मिखेल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी। सो ये कॉन्सेप्ट अभी लाइक मैनेजमेंट में इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, बट कॉमर्स में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बनता है। सो आप लोगों को अच्छे से करना है इसको। मैंने आप लोगों के लिए एक PPT रेडी की है इस टॉपिक के ऊपर, वो कल मिल जाएगी, ठीक है। सो हमें बताना है कि भाई इनमें से कौन से पार्ट हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द गिवन बिलो स्ट्रैटेजी, कि भाई मिखेल पोर्टर की जो स्ट्रैटेजी है उनमें से कौन से पार्ट हैं, ठीक है। देखो मिखेल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, सो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रैटेजी, एंड ये फोकस स्ट्रैटेजी लो कॉस्ट में और ये फोकस स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन में। देखो कॉस्ट लीडरशिप अगर हम बात करें यहाँ पे, सो फोकस रहता है कि भाई कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम आए प्रोडक्शन की, सुपीरियर प्रॉफिट्स थ्रू लोअर कॉस्ट। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, सो भाई हमारी प्रोडक्ट, हमारा सर्विस डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज,
राइट फोकस की अगर हम बात करें सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए लिमिटेड पार्ट ऑफ द मार्केट कि भाई मार्केट तो बहुत वाइड है बट उसके किसी लिमिटेड पार्ट पे फोकस किया हुआ है. सो अब देखते हैं कि देखो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप हमारा फोकस भी पॉइंट होता है, डिफरेंसिएशन भी पॉइंट होता है. सो द पॉइंट इज कि इनोवेशन जेनेरिक स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता है. जैसे ही मैं बी को एलिमिनेट करूंगी राइट आंसर मुझे मेरा सेकंड मिल जाएगा. ठीक है सो गाइज ये देखो कि ये तो था मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. अब इनमें से ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास चार ऑप्शन होंगे और आपको सिर्फ सिंगल ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा मिखेल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है. कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे इनोवेशन है तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेंशन कर दिया. बाकी तीनों पार्ट होंगे ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप फोकस डिफरेंशिएशन. सो द पॉइंट इज कि क्वेश्चन हर तरह से फ्रेम हो सकता है. हम उसी क्वेश्चन को मल्टीपल स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं, उसी क्वेश्चन को हम सिंगल लाइनर में भी फ्रेम कर सकते हैं. एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करने का टास्क मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा. असर्शन रीजनिंग और मैचिंग सिंगल लाइनर मल्टीपल स्टेटमेंट हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि बहुत ही ईजी हो जाए इस एग्जाम को क्रैक करना. असर्शन है हमारी ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल. कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे ये डेफिनेशन गिवन है और ये बिल्कुल करेक्ट है कि भाई क्रॉस बॉर्डर गुड्स का सर्विसेज का कैपिटल का मूवमेंट हो फ्रीली. राइट कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपैटिबल. देखो ये स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्टेटमेंट बोल क्या रही है. ये बोल रहा है कि भाई जो मार्केटिंग से रिलेटेड इनोवेटिव बैरियर्स हैं सब कंट्रीज WTO के अंडर में आके उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए वर्क कर रही है, उन बैरियर्स को मिनिमम करने के लिए वर्क कर रही है. क्योंकि WTO प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को कि भाई सब कंट्रीज में फ्री ट्रेड हो कि लाइक एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर पाए इंपोर्ट कर पाए, उन पर टेरिफ नॉन टेरिफ जो भी जितने टैक्स वगैरह लगता है वो सब मिनिमम हो, फ्री ट्रेड कर पाए कंट्रीज एक दूसरे के साथ में ताकि ट्रेड को प्रमोशन मिले. राइट सो द पॉइंट इज कि भाई सब कंट्री कोशिश भी कर रही है कि जो इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करें. ठीक है सो हमें पता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट जब हमारी करेक्ट हो गई सो बस ये टास्क रहता है कि बताओ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. देखो यहाँ पे वो बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन की और यहाँ पे वो बात कर रहा है मिनिमम करने की मार्केटिंग बैरियर्स को लाइक मार्केटिंग बैरियर्स को खत्म करने की WTO के साथ मिलके. सो द पॉइंट इज कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आइसोलेशन में बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देखो यहाँ पे अगर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ही दूसरी स्टेटमेंट होती तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट है बट ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग करेक्ट हैं, एक साथ करेक्ट नहीं होंगी. ठीक है सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. राइट सो गाइज आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज ओड. देखो लाइक ओड वन आउट का क्वेश्चन है. सो इकोनॉमिक पॉलिसीज इकोनॉमिक प्लानिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो एंड सोशल कल्चर फैक्टर्स. देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी था इस क्वेश्चन में कि भाई इसमें भी इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, ये भी इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है और यहाँ पे ये मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बोल ही रहा है. सो इट मीन्स कि डिफरेंट क्या है सोशो कल्चर फैक्टर्स कि यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का. देखो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की एक बार हम थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होता है. एक्सटर्नल में हमारा माइक्रो और मैक्रो आता है. ठीक है ये चीज़ हमें पता है. सो माइक्रो में हमारे जैसे कस्टमर्स सप्लायर्स ये सब आते हैं. मैक्रो की अगर हम बात करें सो हमारा इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, हमारा लीगल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, डेमोग्राफिक इन्वॉल्वमेंट, हमारा सोशल कल्चर, सो ये सब मैक्रो का पार्ट है. ठीक है सो मतलब कि यहाँ पे भाई ये इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है और ये डिफरेंट है, ये ओड है. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट्स वाज साइंड बाय द डेलीगेट्स ऑफ 44 नेशंस विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF. देखो गाइज मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया है. सो उस वीडियो कोर्स में आप लोगों के पास IB से रिलेटेड ऑलमोस्ट
80% टॉपिक्स की वीडियोस हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही केयरफुली देखनी है, क्योंकि जब मैंने दिसंबर 18 में प्रिपरेशन की थी तो मैंने उस वीडियो के थ्रू, उन वीडियोस के थ्रू आईबी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। सो गाइस, अच्छे से अगर आपने वो वीडियो देखी थी सो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी था। देखो, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें सो जुलाई 94 में हुआ था, 44 कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और बेसिकली उन 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था सो ये इस्टेब्लिश हुए थे कि लाइक IMF, हमारा वर्ल्ड बैंक, हमारा GATT, उस टाइम पे वो इस्टेब्लिश किए गए थे। सो द पॉइंट इज कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है और हमें जस्ट मैंशन करना है ईयर। सो 1944 में हुआ था। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि लाइक ब्रिटन वुड जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, कि लाइक प्लेस बताओ, ठीक है, कब हुई थी ये बताओ, कितनी कंट्रीज थी ये बताओ, लाइक ये 44 कंट्रीज थी, 1944 में हुआ था, उसका प्लेस क्या था, ठीक है, प्लस उसमें लाइक ब्रिटन वुड ट्विंस बोलते हैं, सो जो ब्रिटन वुड ट्विंस हैं उनका नाम बता, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह, IBRD वगैरह, सो नहीं IMF एंड बेसिकली IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो ब्रिटन वुड ट्विंस हैं, राइट। सो आप लोगों को इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फ्रेम हो सकता है। सो गाइज, ये थे 10 क्वेश्चंस हमारे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। सो गाइज, दिसंबर 19 का कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे, प्लस 2012 से 2018 के जब आप लोग वीडियो कोर्स कंप्लीट कर लोगे सो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगा। हर वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है, कि और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये सब चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन इंटरनेट पेपर वन एंड कॉमर्स। सो गाइज, अगर आप जून 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो पेपर वन और कॉमर्स का, आप अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो सो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली मेरे ग्रुप में आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा, 4000 एडिशनल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि जैसे मान लो कि अभी हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं सो मैंने 3-4 डेज पहले आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड किया, फिर हम आज से क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ साथ आपको डेली हर रोज एक वीडियो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिल रही है, सो आप लोगों की कंसिस्टेंसी प्रॉपर बनी रहेगी। सो आप अगर पेपर वन का ज्वाइन करना चाहते हो या कॉमर्स का या दोनों का सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।